आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल नाश्ता, बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हल्की बनने वाली है। इतना हेल्दी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बनाना बहुत आसान है। मेरा नाम मोनिका और स्वागत है मेरे पे चैनल स्वादिष्ट भोजन रेसिपी पे। चलिए देखते हैं फटाफट कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, लाइक कमेंट शेयर करें जरूर से करिए। और कोई सजेशन अगर मेरे चैनल से रिलेटेड या मेरे वीडियो से रिलेटेड आपके पास हो तो हमें आप ज़रूर बताइए। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ सूजी चाहिए और दही चाहिए। दही हमारी जो प्लेन वाली होती है ना, सिर्फ वही चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि अगर एक कप सूजी ले रहे हैं तो आधा कप दही लेंगे। मेजरमेंट का ख्याल इस तरह से रखेंगे और स्वाद के अनुसार आप यहाँ पे नमक ऐड कर लीजिए बस। और इसको क्या करना है, यहाँ पे पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिलाते रहना है। तो बहुत ही बेसिक सामान से बहुत ही कम टाइम में ये बहुत आराम से बन जाता है और ये बच्चों को इतना पसंद आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक बार आप इसको ज़रूर से बनाइएगा, ज़रूर से खाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपको ढेर सारा थैंक्स बोल सके। पिछले वीडियो का थैंक्स जाता है भारती जी को, जो कि सूरत नालीगिरी से हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी देके मिक्स कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसलिए देने के लिए कह रही हूँ ताकि हमारा जो बैटर हो ना वो बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी देने से क्या होता है कि हमें पानी का भी अंदाज मिल जाता है और फिर हमारे जो बैटर है वो गड़बड़ नहीं होती है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस तरीके से इसको मिला लीजिए और दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, ताकि क्या है कि जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाए। जब आप इसको फेंटेंगे ना तो सूजी धीरे धीरे हल्की होती जाएगी। तो देखिए मिलाते मिलाते मैंने फिर यहाँ पे पानी का ऐड किया है, क्योंकि मुझे पानी की ज़रूरत लग रही थी और हमारा जो बैटर है वो इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जितना कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और आप इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना चाहें, चाहे जिस तरह भी फेंटना चाहें, आप जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना उतना ही ज़्यादा इसमें सॉफ्टनेस आएगा। तो देखिए इतना गाढ़ा हो जाएगा। फिर हम लोग इसमें एक सरसों का तड़का लगाएंगे। तो नॉर्मली इसमें सरसों का तेल में आपको सरसों चटका लेना है और उसको इस तरीके से डाल देना है। इसको लगाने से इसका टेस्ट ना दुगना हो जाता है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि तेल पूरे बैटर में आराम से मिल जाए। और फिर देखिए इस तरह का जो ऐप है बॉल स्टैंड जो होता है, जो अमेज़न पे बहुत आसानी से मिल जाता है, इसको बोलते हैं ऐप पे बॉल स्टैंड। आप चाहें तो जाके वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक डाल दूँगी। तो उसमें आप तेल, घी, रिफाइन जो भी देना चाहें आप इसमें दे सकते हैं और इसको फिर गर्म कर लीजिए। और ऊपर से अगर आप चाहें तो इसमें जो सादी वाली तिल होती है ना, सादा वाला, अगर वो है तो आप दे दीजिए, नहीं तो फिर वही सरसों का थोड़ा सा ऐसे इसको छिड़क दीजिए, जिससे कि ऑलरेडी तो हमारा वो छनकाया हुआ है लेकिन फिर भी अगर थोड़ा डालेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। और बस इस तरह से एक एक करके सबको अच्छी तरह से डाल दीजिए। देखिए इसको डालने में क्या करना है कि हम लोग को ना बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है और बहुत कम भी नहीं देना है। ज़्यादा दे देने से क्या होगा कि ये बहुत ही मोटा हो जाएगा और फिर पकने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और कम देने से क्या होगा ना कि वो एकदम गड्ढा टाइप का हो जाएगा पकते पकते। तो देखिए इस तरह से देना है कि ये थोड़ा सा ऊपर की ओर दिखे, उभरा हुआ दिखे, तो ये इस तरीके से देना है। और इसको डालने के बाद में हम लोग कम से कम इसको 5 से 10 मिनट ही कुक करेंगे। 5 से 10 मिनट में ही ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। इसको इसका भी ढक्कन आता है या फिर कोई भी ढक्कन आपके पास में होगा तो उसको आप ढक दीजिए। बहुत ही आसानी से निकलता है। 5 मिनट के बाद देखिए इस तरह से होगा। अच्छा आँच ना एकदम धीमा रखिएगा और इस तरह का चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का चम्मच से आप देखिए कितना आसानी से ये निकल गया, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और बहुत ही आसानी से बनता है। बहुत ही मतलब ये अगर किसी को खाना बनाने नहीं भी आता है ना तो वो भी आराम से बना सकते हैं। और इसके साथ आप बादाम की चटनी बनाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। उसकी भी रेसिपी मेरे पेज पे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अच्छा ये पका है या नहीं इसको भी देखने का एक तरीका है, मैं भी आपको बताऊँगी। पहले बीच वाले तो पक जाते हैं क्योंकि ना उस पर आँच डायरेक्ट लगता है ना, तो बीच वाला पक जाता है लेकिन किनारे वाला थोड़ा सा टाइम लेता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हमारा पलटने लायक अभी हुआ है या इसको और भी पलटने की और भी सीखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो जो जो पक चुके हैं उसको हम लोग इस तरह से पलट लेते हैं ताकि वो नीचे की तरफ से जले नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और बस इसको एक एक करके इस तरह से पलटते चले जाइए। देखिए देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, खाने में ये उतना ही सॉफ्ट होता है और उतना ही मज़ेदार होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 2-4 में ही हमारा पेट एकदम अच्छे से भर जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए अगर इस तरह से एकदम नहीं हाथ पे लग रहा है इट मीन्स वो नहीं पकड़ो, इस तरह हाथ में अगर लग रहा है इट मीन्स उसको अभी पकड़ने की ज़रूरत है। तो यही हमारा चेक करने का तरीका है, सूजी अगर हाथ पे लग रहा है इट मीन्स वो नहीं पका पक चुका है, सॉरी नहीं पका है, और अगर नहीं लगा है इट मीन्स वो पक चुका है। तो बस देखिए इसमें हम लोग को अलग से कोई भी छनकाने वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा इसके साथ में ना आप सांभर भी खा सकते हो, बस पलट पलट के इसको ऐसे पका लीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे तो इसको ऐसे ही घूमते फिरते भी खा लेंगे। तो चलिए ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बनी रहे, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने पहली बार विज़िट किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तब तो एक लाइक बनता है। देखिए ये हमारा पूरी तरह से पक चुका था, आजकल ठंड इतनी हो रही है ना कि गर्म चीज़ को पकड़ो तो पता ही नहीं चलता है, और देखिए कितना सॉफ्ट है ये हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अच्छा एक तरफ भी सेक सकता है, आप चाहो तो दोनों तरफ भी इसको बराबर सेक सकते हो। फिर क्या था, फिर है इसको अपने किसी भी चटनी सॉस टमाटो सॉस किसी भी चीज़ के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और एक कप सूजी से आप लगभग 32 या 33 बॉल्स बना सकते हैं, तो सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। कभी बना के ट्राई कीजिए, और अगर आपने बनाया होगा या हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और शॉर्ट आउट के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी का, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।